बाबा दस के नेता के ऊपर हुए हमले के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर जिला कलेक्ट्रेट पर वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने दलितों पर हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न को रोकने के संबंध में समय समय पर आवाज उठाई है। उसी क्रम में बाबा दस के नेता पर विगत दिनों हुए हमले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के बाद भी कोई कार्यवाही न किए जाने पर वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज वाल्मीकि समाज के कई संगठनों ने मिलकर मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। साथ ही एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर पुलिस द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः पुलिस प्रशासन और शासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में रवि द्रविड़, रजनीश चौधरी, विजेंद्र भार्गव, राम किशोर, संजीव वाल्मीकि, सुंदर दद्दा, रंजीत सिंह काका, ओमीलाल वाल्मीकि, मुरारीलाल शेषन, धर्मेंद्र मुल्तानी, बलदेव भारती, हरिओम, राहुल सेवक, रोहित वाल्मीकि, बंटी, विशाल सरन आदि लोग मौजूद थे। 20/10/2020 को जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक लल्लाओ द्रविड़ जी के साथ जो कुछ तत्वों ने जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने जो हमला मचाया, हमला करा उनके ऊपर, उसको लेकर आज SSP जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, और अन्यथा अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो पूरा वाल्मीकि समाज और पूरा समिति हमारी इसको लेकर आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन जिला। आज वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा SSP महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के धार्मिक नेता आदरणीय द्रविड़ जी पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलेवार खुलेआम घूम रहे हैं, और जिस क्षेत्र के थाने की घटना उस क्षेत्र के थाने में घूम रहे हैं और तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का उत्पीड़न बरकरार है और कहीं भी दलितों को न्याय नहीं मिल रहा। अभी हाथरस में कांड हुआ, कन्नौज में कांड हुआ, पता नहीं पुलिस प्रशासन की मंशा क्या है, इस प्रदेश सरकार की मंशा क्या है, क्या दलितों से ये प्रदेश खाली कराना चाहते हैं, क्या दलितों से चाहते हैं इस प्रदेश से बाहर चले जाए दलित। मेरी ऐसी मांग है इस समिति के माध्यम से, अगर उनको किसी की गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति आंदोलन करेगी और पूरा वाल्मीकि समाज एक फिट पर आएगा। सर ये कहां की घटना है? ये घटना सिविलियन थाने के अंदर छतरीवाले पार की है। वो अपने कार्यकर्ता बैठ के बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग आए, क्योंकि वो हमेशा दलितों की आवाज उठाते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी मुठभेड़ हो जाती है तो बोले तुम बहुत बड़ा नेता बनता है और तुझे हम देखेंगे। बात करते कर उन लोगों ने जानलेवा में हमला कर दिया, जिसको वहाँ के लोगों ने बचाया। कौन से थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी? सिविलियन थाने बोल जाइए। और आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी, उसमें कई 6-7 लोग हैं। तो गिरफ्तारी हुई इसमें? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई पुलिस द्वारा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। और जो उनकी गाड़ी थी उस गाड़ी में तमाम आप लोगों को ज्ञात होगा, उस गाड़ी में तमाम लोहे के राडे डंडे मिले थे और तमंचा शायद उनकी एंटी में थे। अगर वहाँ पर जो दुकानदार है और कर्मचारी नहीं होते शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, अन्यथा वाल्मीकि समाज आंदोलन करेगा पूरे उत्तर प्रदेश के।